हम पॉपुलेशन में आगे हैं, लेकिन तैयारियां कोविड के खिलाफ हमारी तैयारियां भी आगे की तरफ जा रही है और इसीलिए आपको हर चीज से अपडेट करना जरूरी है। देश के 8 जिलों से टेंशन वाली खबर आ रही है क्योंकि वहां कोरोना संक्रमण की दर जो है वो देश के औसत से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। देश में कोरोना बढ़ने की औसत दर अब भी 0.21% है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे 8 जिले हैं जहां कोरोना बढ़ने की रफ्तार 5% से ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में संक्रमण दर 14.29% है, तमिलनाडु के डिंडीगुल में ये 9.8% है, मेघालय के री भोई में कोरोना 9.09% की दर से फैल रहा है, अरुणाचल प्रदेश के लोहित में कोरोना संक्रमण की दर 5.88% है, राजस्थान के करौली में ये 5.71% है, गंगानगर में 5.66% है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कोरोना बढ़ने की दर 11.11% है, तो नैनीताल में ये 5.66% है। इस बीच कोरोना संक्रमण के मामले में पिछले 7 दिन में जिस तरह बिहार का एवरेज 0 था, वहाँ एक ही दिन में 11 मामले सामने आ गए हैं। ये सभी विदेशी टूरिस्ट हैं जो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 24 दिसंबर को बोधगया पहुंचे थे। इनमें से एक टूरिस्ट इंग्लैंड से आया है जबकि 10 म्यांमार और बैंकॉक से आए हैं। दिल्ली और कोलकाता में भी विदेश से आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच कोरोना कंट्रोल को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज देश के 100 पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में कोरोना मैनेजमेंट को लेकर डिटेल में बातचीत हुई। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।